मेरा नाम है संजय शामिल, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक फिजिक एथलीट हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा राज फिटनेस सीरीज का जो वीडियो, जिसमें वो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ कारणों से वीडियो डाल नहीं रहा था, बना नहीं रहा था। लेकिन मैंने उनका राजवीर फिटनेस सीरीज का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने चैलेंज किया है सारे फिटनेस यूट्यूबर्स को कि उनके भाई हैं, उनके जो ब्रदर हैं, उन्हें 3 मंथ्स में नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कराया है, जिसमें उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज है उनकी बॉडी का, उसे 5-6% का उन्होंने चैलेंज किया है सारे। और जो भी इस टारगेट को पूरा कराएगा वो उसे अपना एक ब्लैंक चेक साइन करके देंगे, जिसमें वो उन्हें मुँह मांगा इनाम देंगे, मुँह मांगी रकम वो उन्हें ऑफर कर रहे हैं उसमें। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं आपके इनिशियल फेज में, जब आप 16 से 18 ईयर्स के बीच में होते हैं, तब आप जब ट्रेनिंग शुरू करते हैं तब आपकी जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। जब आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं तो आप जल्दी मसल्स बिल्ड कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं। और आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है ये उस पर डिपेंड करता है कि जो भी आप खाना खाते हैं और जो जेनेटिक पोटेंशियल आपके अंदर रहता है, मतलब जेनेटिक्स जो आपके दादा परदादाओं से जो आपको बॉडी टाइप मिला हुआ है, और जो खाना आप खाते हैं वो आपकी बॉडी में कितनी जल्दी मेटाबोलाइज होता है, जो भी आप खाते हैं वो आपकी बॉडी एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर पाती है कि नहीं, ये जेनेटिक्स आपके उस पर डिपेंड करते हैं कि आपकी बॉडी लीन है, आपकी बॉडी मेसोमॉर्फ है या एंडोमॉर्फ है। एंडोमॉर्फ होते हैं जो लोग जो मोटे होते हैं, जिनके जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, जेनेटिक्स बेसिकली उनके वीक ही होते हैं। तो वो जब भी लोग कुछ भी खाना खाते हैं उनकी बॉडी वेट और फैट बहुत जल्दी गेन करती है, और जो मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ होते हैं उनकी बॉडी जो वो खाना खाते हैं तो उनकी बॉडी रैपिडली उसे बर्न करती है। और जो एक्टोमॉर्फ लोग होते हैं, जो बहुत सारे दुबले लोग होते हैं, जो जब भी वो खाना कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी उसे बहुत जल्दी अपनी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करती है, एनर्जी के फॉर्म में बॉडी बर्न करती है। तो उनका जो लीन रहने का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होता है। और जो मेसोमॉर्फ होते हैं वो जेनेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, वो जब भी कुछ भी करते हैं, वो अगर वो वर्कआउट करते हैं, वो जिम जाते हैं रेगुलरली, तो अगर वो थोड़े बहुत अगर लाइट वेट से भी ट्रेनिंग करते हैं तो उनके मसल्स बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं, और वो कुछ भी अगर खाते हैं उनकी बॉडी उसे यूज़ करके मसल्स बनाने लग जाती है। पर जो एंडोमॉर्फ होते हैं उन्हें बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ों को करना अपनी बॉडी में से, जब भी वो खाना कंज्यूम करते हैं। और एक तो क्या है कि जब उनका वज़न ज़्यादा होने के कारण उन्हें क्या ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ज़्यादा खाना खाते हैं तो उनकी बॉडी उसे रिलीज नहीं कर पाती, उसे बर्न नहीं कर पाती है, और वो एनर्जी के फॉर्म में उनकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। अब एंडोमॉर्फ जो होते हैं, अब इन्हें क्या होता है, जब अपना ये वेट लूज करते हैं ना तो बहुत सारी कैलोरी डेफिशिएट पे जाना पड़ता है, और जब ये कैलोरी डेफिशिएट पे जाते हैं तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन्हें मंथ्स तक डाइटिंग करनी पड़ती है, इसमें इनको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम करने पड़ते हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उस चीज़ को फॉलो कर सके और ऐसा डेडिकेशन और डिसिप्लिन को मेंटेन रख सके बहुत लंबे समय तक। तो राजवीर फिटनेस सीरीज़ में जो उन्होंने वीडियो बनाया अपने ब्रदर पे, वो ब्रदर उनका जिनके बारे में उन्होंने बताया था कि वो बहुत बार अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका है, लेकिन जब भी वो खाना खाता है तब उसका वेट वापस गेन हो जाता है। अब उसका वेट गेन होने का कारण ये है कि जब वो अपनी डाइट लेता है जिसमें वो रोटियाँ चपाती और चावल वगैरह अगर कंज्यूम करता है या फिर बाहर का जंक फूड कंज्यूम करता है तो उसमें उसका वेट गेन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी वो अपना वेट वापस उसको ला सकता है उस फेज पे जब जहाँ पे वो लीन हुआ था, तो उसमें उसको ट्रेनिंग वैसे ही करनी फिर से और उसको डाइट कैलोरी डेफिशिएट पे फिर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये उन्होंने चैलेंज किया है कि नेचुरल यूट्यूबर्स को, जो नेट फिटनेस यूट्यूबर्स जो भी अपने आप को नेचुरल भी बताते हैं कुछ, हालाँकि वो है नहीं, और दूसरे जो फिटनेस यूट्यूबर्स हैं वो उसे ट्रांसफॉर्म कर सके 3 मंथ्स में बिल्कुल 5-6% बॉडी फैट पे लाके। अब 5-6% बॉडी फैट एक ऐसा आपका फैट परसेंटेज होता है जब आप स्टेज रेडी होते हैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन को खेलने के लिए, मतलब आपकी आप लीन मस्कुलर दिखें स्टेज पे वैसी फिजिक उसे अचीव करानी है। अब वो नेचुरली पॉसिबल हो सकती है 3 मंथ्स में? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इतने लो फैट परसेंटेज पे 3 मंथ्स नेचुरल ट्रांसफॉर्म होकर नहीं हो सकते, चाहे आप कितने भी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होती, नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन आप 12-14% तक आप अच्छे दिख सकते हैं, उसमें आपकी फिजिक अच्छी दिख सकती है, आप कपड़े पहन सकते हैं, आपकी फिजिक अच्छी दिखेगी, आप एक लेवल तक आप एक उसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग तभी पॉसिबल होती है जब आप उसे बहुत सालों तक कर रहे हैं, बहुत सालों तक आप उसे मेंटेन कर रहे हैं, आप अपनी बिल्कुल डिसिप्लिन और डेडिकेशन से लाइफ जीते हैं, तब आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं नेचुरली। लेकिन अगर आप स्टेज रेडी होना चाहते हैं 5-6% बॉडी फैट पे 3 मंथ्स में, तब आपको कुछ ना कुछ
इन्हेंसमेंट्स यूज़ करने पड़ सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या होती है, क्योंकि मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ, मैंने 6 to 8 months तक डाइटिंग करी थी, और एक ये वाला मेरा पिक्चर है और एक ये वाला पिक्चर है जो एनहेंस्ड है, आप देख सकते हैं इन्हेंस्ड का मतलब क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप 3 months में 5 to 6% बॉडी फैट को अचीव करना चाहते हैं, अगर बॉडी बिल्डिंग जैसी फिजिक आप अचीव करना चाहते हैं स्टेज पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तब आपको इन्हेंसमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो कंपटीशन हो रहा है वो होगा उन एथलीट्स के साथ में जो उसे रेगुलरली यूज़ करके उतरते हैं स्टेज पे, तो आपको उनके अगेंस्ट खड़े होने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन आप नेचुरल भी बॉडी बिल्डिंग कम्पीट कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप जीत नहीं सकते। आप बॉडी बिल्डिंग में अगर आप 12 एथलीट हैं, 14 एथलीट हैं या 18 एथलीट हैं, तो आप खड़े हो सकते हैं वहाँ पे, आप मेहनत करें कुछ भी करें खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप जीत नहीं सकते ज़्यादा ज़्यादा, जब तक आपका जेनेटिक पोटेंशियल आपको हेल्प नहीं करता। अगर आप जेनेटिक्स वैसे नहीं है कि आप लीन होके भी बहुत अच्छे दिखें, मतलब बहुत कम, मतलब आप फैट परसेंटेज ज़्यादा ज़्यादा, मतलब कोई जेनेटिक पोटेंशियल वाला बंदा ऐसा होगा जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा होगा, तो वो 10% तक अपना फैट परसेंटेज ला सकता है नेचुरली। और ज़्यादातर जो इससे थोड़े नीचे के ऐसे लोग हैं जिनका जो जेनेटिक पोटेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं है, वो अपना फैट परसेंटेज 12 तक ला सकते हैं या 14 तक ला सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो राजवीर फिटनेस सीरीज से रिलेटेड, कि उन्होंने जो चैलेंज किया है नेचुरल जितने भी फिटनेस यूट्यूबर्स हैं, और जो भी उन्होंने कहा है अपने वीडियो में कि वो चैलेंज कर रहे थे कि वो ट्रांसफॉर्म करा अपने ब्रदर को, उन्होंने ब्लैंक चेक दिया, क्योंकि ये चीज़ नेचुरली पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप नेचुरली अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो 3 months में आप, अगर आपका फैट परसेंटेज 20% है और आप नेचुरल ट्रेन करके अपना फैट परसेंटेज 12 to 14% तक ला सकते हैं नेचुरली। नेचुरली आप बहुत अच्छा फिजिक अचीव कर सकते हैं, नेचुरल पोटेंशियल तक आप अपने आप को बहुत अच्छा खींच सकते हैं, लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे स्टीरॉइड्स हैं, इन्हेंसमेंट ड्रग्स होती हैं, उसे परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट ड्रग्स भी कहते हैं, पीड्स कहते हैं, उन्हें यूज़ करना पड़ेगा। जो जीत सलाल ने अपना वीडियो बनाया था, उनके एक क्लाइंट है जीशान लाखा, यही नाम शायद उनका है, कि उन्होंने उनका 6 months में ट्रांसफॉर्म कराया था, मैं उसके बारे में बता दूं, ऐसी मसल क्वालिटी और ऐसी जो पेपर थिन स्किन उन्होंने अचीव कर रखी है, एटलीस्ट 8 या 9% बॉडी फैट पर, तो वो भी मैं बता दूं कि उन्होंने उसमें भी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि उनके मसल फाइबर्स, उनका जो मसल्स का सेपरेशन है वो अलग ही क्लियरली दिख रहा है, कि 6 months में इतनी एक्सट्रीम लेवल की मसल मेजोरिटी हासिल नहीं हो सकती है, तो उन्होंने भी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट का यूज़ किया है। और वो जो बोल रहे हैं अपने आप को नेचुरल, वो भी गलत है। और ये इतने सारे लोग, जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा है, वो सब लोगों को सपने दिखाए गए हैं कि वो 6 months में नेचुरली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं कि नहीं। तो ये था मेरा वीडियो, और जो नेचुरल और इन्हेंसमेंट का जो मतलब एक टॉपिक था जो राजवीर फिटनेस सीरीज़ में अपने वीडियो में उन्होंने दिखाया था, ये उस पर मेरा रिस्पांस था। और राजवीर सिसोदिया एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलते हैं जो सही है, जो अभी जो आज के टाइम में जो सच बात है फिटनेस को लेकर, बॉडी बिल्डिंग को लेकर, वो बिल्कुल सच बात बोलते हैं, ये मैं भी एग्री करता हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें संजय से एमिल फिटनेस को। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।